नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन और मैं हूं रंजीत झा। आज राजद की महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें राजद के कई विधायक शामिल हुए, कई सीनियर लीडर शामिल हुए। राबड़ी आवास पर यह बैठक आयोजित की गई थी और जो शामिल नहीं हुए, जिसका इंतजार सबसे अधिक हो रहा था, वो थे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। वे आज भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए। यह बैठक राजद की सदस्यता अभियान को लेकर के था, राजद की नई रणनीति को लेकर के था, लेकिन इसमें तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। हालांकि इसमें तेज प्रताप यादव भी शामिल नहीं हुए, वे दिल्ली में थे। आज शाम को जब दिल्ली से लौटे तो मीडिया से रूबरू हुए। पसंद कौन है, कौन बनना चाहिए अध्यक्ष आरजेडी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला आने वाले दिनों में? पिताजी सर, आज आप बैठक की आरजेडी की आपने शिरकत नहीं किया सर, आप जाइएगा क्या? तो अभी जाइएगा सर, बैठक चली दिल्ली में भाई से विधानसभा में बैठेगा मेरा। अच्छा, छोटे भाई से मुलाकात हुई है? मुलाकात हुई थी सर। हाँ, सब। हालांकि वो ज्यादा देर रुके नहीं, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उनसे जब पूछा गया कि राजद का अध्यक्ष कौन होगा, तो तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट लहजों में कह दिया, पिताजी अध्यक्ष हैं, आगे भी अध्यक्ष वही रहेंगे। लेकिन इस बीच जो कयासें लगाई जा रही हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ इस वजह से नाराज हैं क्योंकि उन्हें राजद में अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है, और इस बात को लेकर के जो सियासत चल रही है, राजद के जो अंदरूनी कलह खुलकर अब सामने आने लगे हैं, उसमें शायद तेज प्रताप का यह बयान कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर सकता है। क्योंकि एक साफ लफ्जों में यह कह देना कि राजद सुप्रीमो जो लालू प्रसाद यादव अब तक राजद के अध्यक्ष हैं, आगे भी वही अध्यक्ष रहेंगे, ऐसे में अगर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वह अध्यक्ष बने, तो उनके मंसूबे को जरूर झटका लग सकता है। तेज प्रताप यादव से जब ये पूछा गया कि वह बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने कहा, मैं दिल्ली में था। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि दिल्ली में उनकी मुलाकात उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव से हुई है और मुलाकात के दौरान सब कुछ ठीक है, तेजस्वी भी ठीक हैं, लेकिन बैठक में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। पार्टी के किसी भी गतिविधि में तेजस्वी यादव सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है। और जाते जाते तेज प्रताप यादव का यह कह देना कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी आगे रहेंगे, तो इससे जो यह कयास लग रहा है कि तेजस्वी यादव अध्यक्ष बनने को लेकर नाराज चल रहे हैं, तो उस पर भी पूर्ण विराम लगता दिख रहा है। अगर उनके अंदर कोई इच्छा है तो उनके मंसूबे को भी झटका लगता दिख रहा है। बिहार और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए बिफोर प्रिंट डॉट इन के साथ। नमस्कार।